गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 10 बुरी आदतें फ्रॉम वाचन बुक, पेज नंबर है आपका 72। तो बच्चों, चैप्टर का नेम क्या है? बुरी आदतें। तो आप सभी को पता है बैड हैबिट्स हम सबके लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए हमें हमेशा गुड हैबिट्स अपनाना चाहिए। तो जो आपका चैप्टर है, इसमें एक किसान है और उसके तीन बेटे हैं और तीनों बेटे बुरी आदतों के शिकार हैं। आपस में वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने पापा की बात नहीं मानते। फिर किसान उन अपने बच्चों को कैसे समझाता है, उस चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसके साथ इसमें शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर दिए हैं, मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 10। स्टूडेंट, चैप्टर 10 बुरी आदतें। मैं आपको फर्स्ट पैराग्राफ रीड करूंगी, उसके बाद उसका अर्थ बताऊंगी। यहाँ पर लिखा है, एक किसान था, उसके तीन बेटे थे। तीनों ही बेटे बुरी आदतों के शिकार थे। किसान बूढ़ा हो चला था। वह चाहता था कि उसके बेटे जल्दी ही बुरी आदतें छोड़ दें। किसान के समझाने पर बेटे यही जवाब देते कि पिताजी, हम कुछ दिनों बाद ये आदतें छोड़ देंगे, और ऐसा कहकर बात टाल देते। तो बच्चों, इसमें बताया है एक किसान था और उसके तीन बेटे थे, और तीनों बेटे गलत संगति में पड़ गए थे। किसान बूढ़ा हो गया था, उसको लगता था कि उसके बेटे उसके सामने अच्छी आदतें अपना लें, तो वह उनको बार बार कहता रहता था कि तुम ये बुरी आदत छोड़ दो, बार बार समझाता था। लेकिन उसके बच्चे क्या करते थे, हमेशा उसकी बात टाल देते थे और कहते थे कि पिताजी, हम कुछ दिनों बाद ये आदतें छोड़ देंगे। एक दिन किसान तीनों बेटों को लेकर एक बगीचे में गया। बगीचे में कई तरह के वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएँ व पौधे आदि थे। वहाँ किसान ने अपने छोटे बेटे से कहा, इस पौधे को जड़ से उखाड़कर फेंक दो। बेटे ने बड़ी ही आसानी से पौधे को उखाड़कर फेंक दिया। तब किसान ने मंझले बेटे को बुलाया और कहा, इन झाड़ियों को उखाड़कर फेंक दो। तो बच्चों, इसमें बताया है कि एक दिन किसान अपने तीनों बच्चों को लेकर बगीचे में जाता है, और आप सभी को पता है बगीचे में कई तरह के वृक्ष, झाड़ियाँ, पौधे रहते हैं। तो किसान क्या करता है, अपने छोटे बेटे को बुलाकर कहता है कि इस पौधे को जड़ से उखाड़कर फेंक दो। तो आप सभी को पता है पौधा छोटा होता है और उसे हम आसानी से उखाड़ सकते हैं, तो उसका जो छोटा बेटा रहता है वह बड़ी आसानी से पौधे को उखाड़कर फेंक देता है। इसके बाद किसान अपने मंझले बेटे को बुलाता है और उससे कहता है, तुम इन झाड़ियों को उखाड़कर फेंक दो। फिर इसके बाद दिया है, मंझले बेटे ने पहले एक हाथ से झाड़ियों को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं उखड़ी। फिर दोनों हाथों से और अधिक ताकत लगाकर उसने झाड़ियाँ उखाड़ फेंकी। तो बच्चों, इसमें बताया है कि जब किसान ने कहा कि बेटे झाड़ी को उखाड़कर फेंक दो, तो झाड़ियाँ क्या रहती हैं, बहुत सारी रहती हैं, तो उनको हम एक हाथ से नहीं उखाड़ सकते। तो उसके मंझले बेटे ने दोनों हाथों से जोर से ताकत लगाई, तब वह झाड़ियाँ उखाड़ पाया। इसके बाद दिया है, अब किसान ने सबसे बड़े बेटे से कहा, इस पेड़ को उखाड़कर फेंक दो। बेटे ने पेड़ की ओर देखा और बोला, यह पेड़ तो जमीन में गहराई तक जड़ें जमा चुका है, इतने मजबूत पेड़ को मैं भला उखाड़ कैसे सकता हूँ। तो बच्चों, इसमें बताया है कि किसान अपने सबसे बड़े बेटे से कहता है कि इस पेड़ को तुम उखाड़कर फेंक दो। तो बेटा क्या करता है, उस पेड़ की तरफ देखता है और कहता है, पिताजी, ये पेड़ बहुत बड़ा है और इसने अपनी ज़मीन के अंदर अपनी जड़ें जमा ली हैं, इसको उखाड़ना मुश्किल है।
किसान ने कहा, मेरे बच्चों, बुरी आदतें भी इन पौधों की तरह ही होती हैं। यदि पनपने की अवस्था में ही तुमने इन्हें उखाड़ फेंका तो ठीक, अगर तुम्हारे अंदर इन्होंने जड़ें जमा ली तब इन्हें दूर करना बहुत ही कठिन होगा। अतः जितनी जल्दी हो बुरी आदतों को छोड़ दो। बच्चों, इसमें बताया है कि जो बुरी आदतें रहती हैं वो छोटे छोटे पौधों की तरह होती हैं। जैसे पौधे स्टार्टिंग में सॉफ्ट और कोमल होते हैं, लेकिन जब पेड़ बन जाते हैं तो पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर अपनी जगह बना लेती हैं। ऐसे ही बुरी आदतें रहती हैं, स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी रहती हैं और जब ज़्यादा लंबे समय तक रहती हैं तो वो हमारे शरीर का हिस्सा बन जाती हैं और उसे शरीर से दूर करना कठिन हो जाता है। क्योंकि अगर वो हमारे शरीर के अंदर उन्होंने अपनी जगह बना ली तो हम उसके आदी हो जाते हैं और उन्हें अपने से दूर नहीं कर पाते हैं। तो किसान ने अपने बच्चों को समझाया कि तुम इन आदतों को जितने जल्दी दूर कर दोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और ज़्यादा दिन हो जाएंगे तो दूर करना कठिन होगा। बेटे अपने पिता की बात समझ गए और उन्होंने कहा, वे हमेशा बुरी आदतों से बचेंगे। तो बच्चों, किसान के समझाने पर बेटे अपने पिता की बात मान जाते हैं और अपनी बुरी आदतें छोड़ देते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस चैप्टर से हमने सीखा, हमें आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। इससे हमें शिक्षा मिलती है, एकता में बल है। यदि हम कोई भी काम आपस में मिलकर करेंगे तो वो काम सबसे अच्छा होगा, और यदि हम लड़ाई झगड़ा कर कोई काम करते हैं तो वो काम हमारा अच्छा नहीं होता। तो हम सभी को आपस में मिलकर रहना चाहिए। आपको इस चैप्टर की रीडिंग करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।